हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस वीडियोकॉन के 21 इंच के सीआरटी टीवी को। तो दोस्तों, इसमें क्या फॉल्ट है आप देख सकते हो। यहाँ पर इस टीवी स्क्रीन में हाइट इसका कम है, इसका हाइट पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हुआ है। और प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर के पास इसका रिमोट नहीं है और हमारे पास भी इसका मैचिंग वाला रिमोट नहीं है। तो इसको बिना रिमोट कंट्रोल के हम इसके हाइट को कम या ज़्यादा कैसे करना है इस टीवी सेट में, ये वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो दोस्तों, हमारे एक वीडियो इस तरह का पहले भी हमने बनाया हुआ है कि उसमें चाइना किट है, उसको हाइट कैसे कम ज़्यादा करेंगे, तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रांडेड किट है वीडियोकॉन का और इसकी जो सप्लाई है वो अलग है। प्लस 14 वोल्ट और माइनस 14 वोल्ट इसमें होता है, और उसमें जो हमने चाइनीज़ किट में बताया था उसका 24 वोल्ट सप्लाई का वहाँ पर दिया गया था, 24 वोल्ट सप्लाई से वो काम कर रहा था। तो उस सेक्शन में क्या हमने मॉडिफिकेशन किया वो तो आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है और यहाँ पर आई बटन पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन इस टीवी सेट में उस जो हमने फॉल्ट को क्लियर किया था उस टीवी से, वो काफ़ी अलग है। इसका जो मॉडिफिकेशन करने का जो फंडामेंटल है, जो तरीका है, वो तो लगभग सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो कहाँ पर मॉडिफिकेशन करना है उस जगह को पहचानना, वो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपको कि कैसे उसको पहचानेंगे, कहाँ पर मॉडिफिकेशन करना है ब्रांडेड टीवी सेट में और लोकल चाइनीज सेट में। तो इसको अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप ब्रांडेड जो टीवी सेट होते हैं उसमें कैसे आप कहां पर मॉडिफिकेशन करना है, उस जगह को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए दोस्तों, टीवी को हमने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है और ये देखिए, ये वीडियोकॉन का ये किट है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, किट आपका कोई भी ब्रांडेड किट हो, उसका जो फंडामेंटल है, बेसिक जो तरीका है, वो सेम रहेगा। हमको यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, और वर्टिकल आईसी चाहे वहाँ पर कुछ भी लगा हो, यहाँ पर 78041 लगा हुआ है, या 78041 लगा हो, या 78040 या 93.02, मतलब कोई भी आईसी लगा हो दोस्तों, आपको जो तरीका रहेगा सेम रहेगा चेंज करने का, जो मॉडिफिकेशन करने का जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन आपको कौन सी जगह पे मॉडिफिकेशन करना है ये पहचानना बेहद ज़रूरी है, और इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो 24 वोल्ट सप्लाई लाइन में हो या फिर 14 वोल्ट माइनस और प्लस सप्लाई लाइन का यूज़ किया गया हो, तो कुछ डिफरेंस उसमें आपको मिलेगा, तो उसको पहचानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आप ब्रांडेड टीवी सेट में भी कैसे हाइट को कम या ज़्यादा करते हैं उसको आप बारीकी से समझ लेंगे। तो उस चाइनीज़ किट में दोस्तों एक कैपेसिटर था, वहाँ पे एक रजिस्टर ग्राउंड हुआ था, वहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन किया था, लेकिन यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं मिलेगा आपको, ग्राउंड हुआ। यहाँ पर देखिए, ये जो आईसी है इसका जो इनपुट है, यहाँ पर मेन आईसी से वर्टिकल एम्पलीफायर आईसी के लिए जो इनपुट सिग्नल आता है 50 हर्ट्ज का वर्टिकल सिग्नल, उसका जो इनपुट सिग्नल हो रहा है यहाँ से आईसी से 50 हर्ट्ज का जो वर्टिकल एम्पलीफायर आईसी के लिए जो सिग्नल आता है, ये इस आईसी के पिन नंबर 1 पर आ रहा है, और यहीं से देखिए, यहाँ से ये योक कॉइल के लिए जा रहा है, यहाँ से एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो देखिए, एक नंबर पिन से ये रजिस्टर लग के, यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड हुआ है एक रजिस्टर 1 ओम का, और उसके बाद यही जो ट्रैक है वो आगे जा रहा है योक कॉइल के कनेक्टर पर। यहाँ पर देखिए, ये दोनों वर्टिकल योक कॉइल के कनेक्टर हैं, तो यहाँ पर
आपको देखना है दोस्तों, वर्टिकल योक कॉइल का जो कनेक्टर है वहाँ पर कोई भी रजिस्टर अगर ग्राउंड हुआ है तो उस रजिस्टर को आपको मॉडिफाई करना है, उसका वैल्यू शिफ्ट करना है, चेंज करना है। ये देखिए ये दोनों पिन है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ट्रैक पर दिख रहा है और ये जो दूसरा इसका जो पिन का ट्रैक है ये आ रहा है यहाँ पर पिन नंबर 5 पर। योक कॉइल के लिए यहाँ से आउटपुट सिग्नल आ रहा है और एक नंबर पिन से देखिए यहाँ पर इनपुट सिग्नल आया है और यहीं से ये चला गया है योक कॉइल के लिए। तो इसी लाइन पर ये 1 ओम का रजिस्टर है, इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करेंगे तो इसका हाइट कम या ज़्यादा होगा। तो ब्रांडेड टीवी सेट्स में देखिए दोस्तों, जिस योक कॉइल का जो कनेक्टर है वहाँ पर अगर कोई भी रजिस्टर ग्राउंड हुआ है तो उसका वैल्यू आपको चेंज करना है, ये पहचानने का सबसे सरल तरीका है। तो ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हमने इस साइड से लगा दिया है ताकि इसमें जो मॉडिफिकेशन करेंगे वो जल्दी हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, इस रजिस्टर की वैल्यू को अगर हम कम करेंगे तो उसका हाइट बढ़ेगा, अगर इस रजिस्टर की वैल्यू को हम ज़्यादा करेंगे, रजिस्टर की वैल्यू को अगर ज़्यादा करेंगे तो हाइट उसका कम होगा। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाने से हाइट कम होगा और रजिस्टर की वैल्यू को कम करने से हाइट उसका बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, हाइट को बढ़ाना है तो इस रजिस्टर की वैल्यू को हमें कम करना है। तो 1 ओम से भी कम ओम्स का यहाँ पर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 0.39 ओम्स का रजिस्टर है, 0.39 का ओम्स का ये रजिस्टर है। तो इसको हम लगा के देखते हैं, क्योंकि ये 1 ओम्स से कम ओम्स का है, 1 ओम्स से मतलब हाफ ओम्स से भी कम ओम्स का ये रजिस्टर है। तो पहले इसको लगा के देख लेते हैं, तो इसमें हाइट में क्या फ़र्क पड़ रहा है इसको देखते हैं। ये हमने 0.39 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया है। अब टीवी स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखिए फुल स्क्रीन हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको परफेक्ट साइज़ में लाने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब हाइट इसका बढ़ा हुआ है तो इसको अब कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा, रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाना है। यहाँ 0.39 ओम्स लगाया है, 0.39 ओम्स की से कुछ और ज़्यादा ओम्स का लगाना पड़ेगा, 1 ओम से कम का और 0.39 ओम से ज़्यादा ओम्स का यहाँ पर रजिस्टर हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर टीवी स्क्रीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए हम दूसरा रजिस्टर लगाते हैं, तो इस रजिस्टर को हम अभी निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर रजिस्टर जो लगाएंगे उसकी वैल्यू को देखते हैं, कितना ओम्स का हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए 1 ओम्स के हमने 2 रजिस्टर पैरेलल में लगा दिए हैं। तो आपको बता दूँ दोस्तों, अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर आप पैरेलल में लगाते हैं, एक के ऊपर एक लगाते हैं, तो क्या होगा, जो वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 लगाए हैं तो 2 में डिवाइड हो जाएगा, 1 ओम्स का कितना हो जाएगा, हाफ ओम्स हो जाएगा, यानी 0.50 ओम्स हो जाएगा। तो चलिए देखिए, 0.39 ओम्स से ज़्यादा का हम यहाँ पर लगाना है, तो 0.50 ओम्स यानी कि हाफ ओम्स का यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, 2 रजिस्टर हमने यहाँ पर पैरेलल में लगा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों 1 ओम्स से नीचे 0.39 और 0.33 ओम्स का मिल जाता है रजिस्टर, लेकिन हाफ ओम्स का मिलता नहीं है। तो हमें सीरीज़ पैरेलल करके वैल्यू को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये आपको आना चाहिए, सीरीज़ पैरेलल करके कैसे इसकी रजिस्टर की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। पैरेलल करने पर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 रजिस्टर लगाए तो 2 को डिवाइड कर सकते हैं 1 ओम्स में, तो हाफ ओम्स आ जाएगा। तो ये देखिए, तो अभी भी दोस्तों इसका हाइट परफेक्ट साइज़ में नहीं आया है, अभी भी हाइट इसका फैल रहा है, ज़्यादा हाइट हो रहा है। तो अभी हमें और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हाफ ओम्स लगाए हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा लगा सकते हैं, मतलब 0.50 ओम्स लगाए हैं। तो अभी देखिए, 2 रजिस्टर हम अब सीरीज़ में लगा रहे हैं दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो रजिस्टर सीरीज में लगा दिए हैं, 0.39 ओम्स का और 0.33 ओम्स का। दोनों को मिलाकर 0.72 ओम्स का हमें यहाँ पर नंबर मिल रहा है। सीरीज में लगाने पर वैल्यू उसका बढ़ जाता है, यानी प्लस हो जाता है। तो देखिए अभी कुछ कम हो गया हाइट, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है, मतलब थोड़ा सा और हमें नीचे करना है, मतलब इस वैल्यू से थोड़ा और वैल्यू इसका बढ़ाना पड़ेगा। 0.72 ओम्स हमने अभी लगाया था सीरीज करके, तो अभी 0.72 ओम से थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हाइट कम होता है। 0.39 के दो रजिस्टर सीरीज में लगा के हमें मिल रहा है 0.78 ओम्स का। तो देखते हैं इसमें कितना हाइट हमें मिलता है और देखते हैं आगे। तो चलिए इसको जल्दी से लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों 0.78 ओम्स का हमने यहाँ पर रजिस्टर लगाया, तो थोड़ा सा हाइट अभी थोड़ा सा और नीचे आ गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है, यानी कि हमें अभी थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अभी 0.78 ओम्स है, तो इससे थोड़ा सा और हमें रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम क्या कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर दो रजिस्टर हमने जो पैरेलल में लगाए थे 1 ओम्स के, उनको दो को पैरेलल करके तो उसका 0.50 ओम्स उसका हमने कर दिया है उसके वैल्यू को। और उसके बाद यहाँ पर एक 0.33 ओम्स का सीरीज में लगाएंगे, यानी 0.50 प्लस 0.33 यानी कि 0.83 नंबर का यहाँ पर हमें मिल जाएगा रजिस्टर। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए दोस्तों इसमें बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से जो न्यूज़ फ्लैश हो रहा है, और नीचे भी देख लीजिए दोनों में कहीं भी कुछ अक्षर कट नहीं रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहा है, परफेक्ट साइज़ आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके परफेक्ट साइज़ पे ला दिया है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको सीरीज़ और पैरेलल करके मॉडिफाई करना है, इसी तरह से आप कर सकते हो। तो कौन सा रजिस्टर को आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, इसकी पहचान मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। चाहे ब्रांडेड टीवी सेट्स हो या लोकल सीआरटी टीवी हो चाइना का, उसको भी मैंने वीडियो में बताया, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और आई बटन पे भी लिंक दिया है, उसको आप देख सकते हैं। 0.83 ओम्स का यहाँ पर रजिस्टर का वैल्यू हमें बढ़ाना पड़ा है और ये परफेक्ट साइज़ में आ गया है। तो इस रजिस्टर को देखिए दोस्तों, पैरेलल की हमने दो रजिस्टर पैरेलल करके इसके वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया और उसके बाद सीरीज़ में किया, सीरीज़ पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने इस रजिस्टर की वैल्यू को हमने 0.83 ओम्स बनाया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी मॉडिफिकेशन करके अपने टीवी सेट को ओके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए या पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।